हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम आज के लेक्चर में शुरू करते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या है? जैसे किसी डॉक्टर को इलाज करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, किसी इलेक्ट्रीशियन को घर में इलेक्ट्रिसिटी को ठीक करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, उसी तरह एक टैक्सोनॉमिस्ट को टैक्सोनॉमी परफॉर्म करने के लिए, क्लासिफिकेशन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स की जरूरत पड़ती है, डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है, और उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स को कहा जाता है टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो व्हाट इज टैक्सोनॉमिकल एड्स? ऑल डिफरेंट डिवाइसेस दैट यूटिलाइज इन टैक्सोनॉमिकल पर्पसेस आर नोन एज टैक्सोनॉमिकल एड्स। वो सभी प्रकार की वस्तुएं जो वर्गीकरण पद्धति में काम आती हैं, उन्हें हम टैक्सोनॉमिकल एड्स कहते हैं। ऑल टूल्स related to classification is known as taxonomical aids। अब ये कौन कौन से important taxonomical aids जो हमारे syllabus में है, NCERT में है और NEET AIIMS आदि exam के लिए बहुत important है। सबसे पहला टैक्सोनॉमिकल एड्स है, उसका नाम है हर्बेरियम। दूसरा बॉटेनिकल गार्डन। तीसरा जूलॉजिकल पार्क। चौथा म्यूजियम। पांचवा टैक्सोनॉमिकल कीज। इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं जैसे बॉटेनिकल फ्लोरा, मोनोग्राफ, इसके अलावा कैटलॉग, इंडेक्सेस एंड टैक्सोनॉमिकल मैनुअल्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें एक एक करके समझनी होंगी और जाननी होगी, ठीक है? तो मैं आपको एक एक करके समझाता हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं हर्बेरियम की। देखिए हर्बेरियम क्या है? सिंपली हर्बेरियम एक ऐसा टैक्सोनॉमिकल टूल है जिसको हम क्लासिफिकेशन में, टैक्सोनॉमी में डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस में इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो आइडेंटिफिकेशन पर्पस में हो, चाहे एज अ रेफरेंस पर्पस में हो। तो सबसे पहली बात, आखिर ये हर्बेरियम है क्या? तो हर्बेरियम को बहुत सिंपल भाषा में कहा जाता है, इट इज अ ड्राई गार्डन, सूखा बगीचा। इट इज अ ड्राई गार्डन, इसको ड्राई गार्डन कहा जाता है, पहली बार। दूसरी बार, हर्बेरियम इज कलेक्शन ऑफ, हर्बेरियम इज कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड डेड प्लांट्स।
मरे हुए और जो प्लांट खत्म हो गए हैं उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है एक फाइल के अंदर, उसी फाइल को या उसी स्ट्रक्चर को कहते हैं हार्बेरियम। यानी कि हार्बेरियम में जीवित प्लांट्स को नहीं रखा जाता, हार्बेरियम इज मीट फॉर डेड प्लांट्स, राइट। अब हार्बेरियम जब हम बनाते हैं, हार्बेरियम जब हम प्रिपेयर करते हैं, तो हार्बेरियम को प्रिपेयर करने में हमें कई बातें ध्यान रखनी होती है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट बात हार्बेरियम में क्या ध्यान रखनी होती है, हार्बेरियम का एक इंटरनेशनल साइज होता है, हर एक हार्बेरियम का एक इंटरनेशनल साइज है। तो इंटरनेशनल साइज ऑफ हार्बेरियम शीट इज 11.5 × 16.5 इंच, माने हार्बेरियम 11.5 इंच चौड़ी उसकी विड्थ होती है और लगभग 16.5 इंच उसकी लंबाई होती है। इस तरह से हार्बेरियम शीट होती है। तो दिस इज 11.5 एंड दिस इज 16.5 इंच। सो दिस इज द कैटेगराइजेशन। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट हियर कि जब हमने इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों को समझ दिया तो इसको हम सेंटीमीटर में भी याद कर लें। तो सेंटीमीटर कितना होता है, 29 cm × 41 cm, ये इसकी सेंटीमीटर में भी लंबाई है। डायगोनल थोड़ा ज्यादा होता है इसका, लेकिन लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है। यानी कि हार्बेरियम के बारे में आपको ये स्टैंडर्ड से एक बार एग्जाम में सवाल भी पूछा गया है, इंटरनेशनल साइज पूछा गया है हार्बेरियम का। अब हार्बेरियम हम बनाते क्यों है, उसका पर्पस क्या है, तो यहां पर लिखते हैं हम लोग पर्पस ऑफ हार्बेरियम। देखिए सबसे पहली बात तो हार्बेरियम बनाने का पर्पज होता है कि एक प्रकार का रिकॉर्ड होता है, राइट, इट इज ए काइंड ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ प्लांट। अब आप सोच रहे होंगे कि हम प्लांट्स का रिकॉर्ड क्यों रखते हैं, ताकि हमारे पास ये जानकारी बनी रहे कि पुराने वक्त में किस तरह के प्लांट्स पाए जाते थे जो आज के वक्त में नहीं पाए जाते, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, जो हार्बेरियम होते हैं उन हार्बेरियम से हम आज के प्लांट्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, आज के प्लांट्स के करेक्टर का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, माने न्यू करेक्टर कैसे इवॉल्व हुए पुराने करेक्टर से, वो हमको हार्बेरियम से ही पता चलता है। तो दे गिव्स अस आइडिया ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू कैरेक्टर, नए कैरेक्टर के डेवलपमेंट का आइडिया हमको हार्बेरियम से ही चलता है। और तीसरा, दे आर यूजफुल इन आइडेंटिफिकेशन पर्पस, इनको आइडेंटिफिकेशन पर्पस में भी नए प्लांट्स को आइडेंटिफाई करना ये डिस्कवर्ड है या नहीं है, ये भी हार्बेरियम बनाने का पर्पस होता है, ठीक है। अब एक और बात करते हैं, टाइप ऑफ हार्बेरियम, कितने प्रकार के हार्बेरियम होते हैं। तो अगर हार्बेरियम के टाइप की बात करें तो हार्बेरियम दो प्रकार का होता है, एक हार्बेरियम होता है माइनर और एक होता है मेजर। माइनर हार्बेरियम लाइक कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के जो हार्बेरियम होते हैं वो माइनर हार्बेरियम होते हैं, कॉलेजेस वगैरह। और जो स्टेट लेवल के होते हैं, कंट्री लेवल के हार्बेरियम होते हैं, बड़ी बड़ी जो रिसर्च सेंटर होते हैं उनके जो हार्बेरियम होते हैं उनको बोलते हैं मेजर हार्बेरियम। जैसे NBRI लखनऊ में एक बहुत बड़ा हार्बेरियम है, राइट, इंस्टीट्यूशनल लेवल हार्बेरियम।
तो दो प्रकार के, छोटे मतलब और बड़े, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज हमें हार्बेरियम में समझनी चाहिए कि हार्बेरियम बनाते कैसे, हाउ टू प्रिपेयर हार्बेरियम। देखिए हाउ टू प्रिपेयर हार्बेरियम, हार्बेरियम कैसे बनाया जाता है, हार्बेरियम बनाने का तरीका क्या है। तो हार्बेरियम बनाने का सिंपल तरीका है, कुछ स्टेप्स हैं जो स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे आपको। जैसे पहला, कलेक्शन ऑफ प्लांट, पौधे को कलेक्ट करना, पहला स्टेप। दूसरा, ड्राई, उसको सुखाना। तीसरा, उसकी पॉइजनिंग करना। चौथा, पॉइजनिंग के बाद उसको हम लोग करना माउंटिंग। माउंटिंग के बाद स्टिचिंग, और स्टिचिंग के बाद लेबलिंग, और लेबलिंग के बाद लास्ट में उसको क्लासिफाइंग। तो ध्यान से समझेंगे कैसे हम लोग करते हैं। सबसे पहले हमें प्लांट का कलेक्शन करना होता है। तो मैं बताता हूं प्लांट का कलेक्शन करने में क्या इंपॉर्टेंट है। जब हम प्लांट का कलेक्शन करते हैं तो दो चीजें ध्यान रखनी होती है कि पहला, प्लांट मस्ट बी कंप्लीट, प्लांट पूरा होना चाहिए, माने रूट, स्टेम और लीफ तीनों चीजें होनी चाहिए और फ्लावर भी हो। और दूसरा, प्लांट मस्ट बी हेल्दी, प्लांट बीमार नहीं होना चाहिए, डिजीज नहीं होनी चाहिए, सारे प्लांट के पार्ट हेल्दी होने चाहिए, फिट होने चाहिए। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो कलेक्शन ऑफ प्लांट ऐसे किया जाता है। फिर दूसरा स्टेप आता है ड्राई करने का। ड्राई कैसे करते हैं, कोई भी हम एक ब्लॉटिंग पेपर ले लेते हैं, दिस इज ब्लॉटिंग पेपर। अगर ब्लॉटिंग पेपर नहीं है तो आप उसकी जगह क्या ले सकते हैं, न्यूज़पेपर। और यहां पर जो भी आपने हार्बेरियम लिया है उस हार्बेरियम को उस ब्लॉटिंग पेपर में ऐसे करके इसको बंद कर देते हैं, ऐसे करके बीच से बंद कर देते हैं और किसी भारी चीज से इसको प्रेस कर देते हैं, प्रेस विद हैवी आर्टिकल, किसी भारी चीज से दबा देते हैं। तो क्या होता है, सारा का सारा जो इसमें मॉइस्चर होता है वो सारा का सारा मॉइस्चर क्या होता है, एब्जॉर्ब बाय, ये एब्जॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्ब बाय ब्लॉटिंग पेपर, वो ब्लॉटिंग पेपर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और एक बार एब्जॉर्ब हो गया तो पूरा ये सूख जाता है। लेकिन इसको 24 आवर में या 10 आवर्स में इसको बार बार ब्लॉटिंग पेपर चेंज करना होता है, वरना ब्लॉटिंग पेपर इसी में चिपक जाएगा। ड्राई करने के बाद अगला स्टेप आता है पॉइजनिंग। पॉइजनिंग में हम लोग एक केमिकल इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम होता है, वी यूज ए केमिकल फॉर पॉइजनिंग ऑफ हार्बेरियम, और उस पॉइजन का नाम होता है कोरोसिव सब्लिमेट, यानी कि HG2Cl2। इस कोरोसिव सब्लिमेट से हम क्या करते हैं, अपने हार्बेरियम की पॉइजनिंग करते हैं। कैसे करते हैं, ये मान लीजिए कोरोसिव सब्लिमेट है, ये भरा हुआ है, और हम इस हार्बेरियम को क्या करते हैं, ड्राई करने के बाद इसमें डिप कर देते हैं, और डिप करके फिर इसको बाहर निकाल देते हैं। अब जब बाहर निकालते हैं तो ये क्या होता है, ये पूरा पॉइजन्ड हो चुका होता है। अब सवाल यहां पर दो में आपके सामने, हम ड्राई क्यों करते हैं और उसको पॉइजनिंग क्यों करते हैं।
तो मैं आपको बताता हूं ड्राई करने का जो फायदा होता है, द बेनिफिट ऑफ ड्राइंग, ड्राई करने से वी कैन प्रिवेंट आवर स्पेसिमेन, वी कैन प्रिवेंट आवर स्पेसिमेन फ्रॉम इंफेक्शन, फ्रॉम इंफेक्शन। हम अपने हार्बेरियम को, अपने स्पेसिमेन को इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि तो जब ड्राई हो जाएगा हमारा हार्बेरियम तो उससे मॉइस्चर खत्म हो जाएगा, और जहां मॉइस्चर नहीं होता वहां कभी भी इन्फेक्शन नहीं होता। हमारे कोई घाव लगता है तो इन्फेक्शन के चांसेस कब तक रहते हैं? जब तक वो सूखता नहीं है। एक बार वो ड्राई हो गया, सूख गया, तो इन्फेक्शन के चांसेस खत्म हो जाते हैं। अब सवाल है पॉइजनिंग क्यों करते हैं? हम लोग पॉइजनिंग इसलिए करते हैं ताकि हम अपने हार्बेरियम को दीमक से और चूहों से बचा सके, है ना, टू प्रिवेंट फ्रॉम टर्माइट्स एंड रोडेंट्स। चूहों से और दीमक से बचाने के लिए हम उसकी पॉइजनिंग कर देते हैं। वरना इतनी मुश्किल से आपने कलेक्शन किया, ड्राई किया, और अगर पॉइजनिंग नहीं किया तो कोई भी चूहा उसको कुतर के चला जाएगा और आपका हार्बेरियम खराब हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पहला स्टेप कलेक्शन, दूसरा स्टेप ड्राई, तीसरा स्टेप पॉइजनिंग। अब आपका ये पूरा स्पेसिमेन रेडी है काय के लिए, अगले स्टेप के लिए माउंटिंग। अब माउंटिंग का मतलब है इस स्पेसिमेन को यहां से उठाइए और उठा के ला करके अपनी हार्बेरियम शीट पे रख दीजिए, इसी को बोलते हैं माउंटिंग। तो अगर आप उसको देखें ध्यान से, आपने उसको मान के ऐसे रखा तो ये माउंटिंग कहलाएगा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें बड़ी बात यह है कि आपको अपने हार्बेरियम का साइज और अपने सीट का साइज समझना पड़ेगा। कई बार आपका हार्बेरियम बड़ा होगा और सीट छोटी होगी, तो क्या करना होगा? तब उस कंडीशन में आपको अपने हार्बेरियम को सीधे रखने के बजाय डायगोनल रखना होगा इस तरह। ये भी माउंटिंग का ही एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। कुछ पार्ट अगर बड़े हैं तो उनको काट के आप यहां पर ऐसे करके एडजस्ट कर सकते हैं, फ्लावर यहां लगा सकते हैं, यहां फ्लावर लगा सकते हैं, जैसी जो जरूरत है वैसे उसको सेट करना हार्बेरियम शीट के अंदर। इसी स्टेप का नाम है माउंटिंग। तो माउंटिंग का मतलब क्या होता है? माउंटिंग का मतलब होता है प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ हार्बेरियम ऑन हार्बेरियम सीट। हार्बेरियम शीट के ऊपर सही ढंग से क्या रखना? हार्बेरियम को रखना क्या कहलाता है? माउंटिंग कहलाता है। बात समझ में आ गई? ये तो हो गया माउंटिंग। माउंटिंग के बाद क्या आएगा? स्टिचिंग। हम इस हार्बेरियम को सही ढंग से चिपका देते हैं, गम से, सेलो टेप से, किसी भी चीज से इसको चिपका, ताकि ये हिले डुले ना। और स्टिचिंग करने का फायदा ये होता है कि आपका हार्बेरियम एक जगह स्थिर हो जाता है। फिर आता है लेबलिंग। हमें यहां लिखना पड़ेगा कि ये क्या है, दिस इज अ फ्लावर, ये क्या है, दिस इज अ लीफ, ये क्या है, दिस इज स्टेम, और अगर रूट है तो रूट भी लिखनी पड़ेगी। यानी कि हर एक प्लांट के पार्ट का नाम लिखना पड़ेगा, इसको बोलते हैं लेबलिंग। और लेबलिंग के साथ साथ यहां पर एक इंफॉर्मेशन बॉक्स होता है। इस इंफॉर्मेशन बॉक्स में आपको सारी इंफॉर्मेशन लिखनी होती है, प्लांट का नाम, लोकल और साइंटिफिक दोनों, ऑथर का नाम जिसने उसको डिस्कवर किया, किस लोकेलिटी से आपने उसको डिस्कवर किया, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ बॉक्स में लिखनी होती है। और सबसे अंत में क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का क्या मतलब होता है? कि आपने फाइल बना ली, हार्बेरियम बना लिया, अब उस हार्बेरियम को आपको सही ढंग से रखना है। जैसे आप जब घर में बर्तन धुलते हैं, मान लीजिए कटोरी धोया, ग्लास धोया, प्लेट धोई, सब कुछ धोया, अब धोने के बाद मान लीजिए आपको प्लेट को रखना है, तो क्लासिफिकेशन हो गया। अभी शीट को रखना है, तो प्लेट को आप कहाँ रखोगे? प्लेट को आप प्लेट वाली रैक में रखोगे, या ग्लास वाली रैक में रखोगे, या कटोरी वाली रैक में रखोगे? ऑफ कोर्स प्लेट को प्लेट वाली रैक में रखा जाएगा। तो इसी तरह से इस हार्बेरियम को डाइकॉट में रखें कि मोनोकॉट में रखें, तो जिसको बिलोंग करता होगा उसी में रखेंगे। अब इसके बाद आपको प्लेट वाली रैक में प्लेट रख दिया, लेकिन कहाँ रखें? आपके पास ऑलरेडी 10 प्लेट रखी हुई है और एक प्लेट और रखनी है, तो क्या करें? छोटी से बड़ी होंगी, छोटी प्लेट फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी प्लेट कौन सी प्लेट के पीछे और कौन सी प्लेट के आगे रखी जाएगी। इसी तरह से हार्बेरियम को जब हम रखते हैं फाइल में,
तो ऑलरेडी बहुत सारी उसमें हार्बेरियम होती है फाइल में, कुछ एडवांस प्लांट की हार्बेरियम होती है, कुछ प्रिमिटिव की। तो आपको स्टडी करके पता करना होता है कि आपकी ये हार्बेरियम शीट फाइल में कहां रखी जाएगी, सबसे आगे, सबसे पीछे, या कुछ प्लांट्स के बीच में। अब जहां रखोगे उसे ये पता चलेगा कि आगे वाले प्लांट उसके एडवांस है, पीछे वाले उसके प्रिमिटिव है। अगर गलत जगह रख दिया तो आपका क्लासिफिकेशन गलत हो जाएगा और इतनी मेहनत आपकी व्यर्थ चली जाएगी। तो क्लासिफाइंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। दिस इज ऑल अबाउट द हार्बेरियम, ठीक है। अब हार्बेरियम में एक चीज और, हम किन चीजों के हार्बेरियम नहीं बना सकते, तो आपको ध्यान रखना होगा। आप इसको लिख भी सकते हैं कि जितने एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जैसे एल्गी वगैरह, उन और जितने थैलोइड प्लांट होते हैं जिनमें मॉइस्चर बहुत होता है, पानी 90% तक होता है, उन प्लांट्स के हम हार्बेरियम नहीं बना सकते, क्योंकि जैसे उनका पानी हटाओगे तो उसमें कुछ बचेगा ही नहीं, सारा कुछ खत्म हो जाएगा, पानी ही पानी होता है। इसीलिए एक्वेटिक प्लांट्स के हार्बेरियम नहीं बनाए जाते, उन्हें हम पानी की बोतल में या कांच की बॉटल में पानी भर के उसके अंदर पैक करके रख देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, स्पेसिमेन बोलते हैं। और एक बात हमें हार्बेरियम में ध्यान रखनी है कि जो हार्बेरियम हम बनाते हैं, चाहे वो एल्गी के बनाए, चाहे उसके किसी दूसरे प्लांट के बनाए, उसमें फ्लावर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। अगर किसी हार्बेरियम को बनाना है और आपके पास एक लीफ है और एक फ्लावर है, आपसे कोई कहे कि किसको चुनोगे, तो आप फ्लावर को चुनिएगा, क्योंकि हार्बेरियम में रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को ज्यादा महत्व दिया जाता है। वेजिटेटिव कैरेक्टर तो बदल जाते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, बट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कंजर्व रहते हैं, इसीलिए हार्बेरियम बनाने में हम रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को ज्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इसके बाद आता है अगला हेडिंग, उसका नाम है बॉटेनिकल गार्डन। तो मैं बॉटेनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क एक साथ समझाता हूं। बॉटेनिकल गार्डन और इधर लिख देता हूं मैं दूसरा जूलॉजिकल पार्क। देखो जो बॉटेनिकल गार्डन है, इट इज द कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट, ये लिविंग प्लांट का कलेक्शन है, और इट इज अ कलेक्शन ऑफ लिविंग एनिमल्स, ये लिविंग एनिमल्स का कलेक्शन। दूसरी बात, जो बोटेनिकल गार्डन है दे आर, जो बोटेनिकल गार्डन है दे आर example of ex situ they are example of ex situ conservation or same they are example of ex situ, ये दोनों same point है, ये भी ex situ conservation, लेकिन ये ex situ conservation of plants है और ये ex situ conservation of animal। अब ये ex situ conservation क्या होता है, देखिए अगर कोई प्लांट है और इसे कंजर्व करना है, इसको जहां है वहीं कंजर्व करें, इधर ही कंजर्व करने का मतलब होता है उसको संरक्षित करें, उसको बचाएं, उसकी ग्रोथ कराएं, उसको बचा के रखें। तो अगर प्लांट जहां है उसको वहीं कंजर्व कराएं तो इसको बोलते हैं in situ conservation। लेकिन यहाँ पे हम कुछ कर नहीं पा रहे तो इसको उठा के इसे दूसरी जगह पे ले आए और नई जगह पर इसको क्या करें, इसको कंजर्व करें, यहाँ बचाएं, यहाँ तो इसको बोलेंगे एक्स सीटू कंजर्वेशन। यही चीज एनिमल पे लागू होती है, कोई एनिमल है यहाँ पर और ये एनिमल यहाँ पर मर रहा है तो इसको यहीं पर बचाएं तो बोलेंगे इन सीटू कंजर्वेशन। लेकिन ये यहाँ पर नहीं बच पा रहा है, इसको उठा के नई जगह पे ले आए और यहां पर इसको बचाएं तो इसको बोलेंगे हम ex situ conservation, that is called ex situ। तो conservation दो प्रकार का होता है, in situ और ex situ। अब हमारे पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़े बड़े बॉटेनिकल गार्डन है, बहुत बड़े बड़े जूलॉजिकल पार्क हैं। बॉटेनिकल गार्डन में जैसे NBRI नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट
लखनऊ, ठीक है, लालबाग बोटेनिकल गार्डन बैंगलोर, रॉयल बोटेनिकल गार्डन की इंग्लैंड, ये बहुत बड़े बड़े, मेन बोटेनिकल गार्डन मास्को, ये बहुत बड़े बड़े बोटेनिकल गार्डन है। बोटेनिकल गार्डन में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमको ध्यान रखनी चाहिए कि बोटेनिकल गार्डन आर द एक्सीलेंट टैक्सोनॉमिकल टूल फॉर रेफरेंस एंड आइडेंटिफिकेशन पर्पस, यानी कि इनका इस्तेमाल हम लोग एज अ रेफरेंस करते हैं, रेफरेंस एंड आइडेंटिफिकेशन पर्पस, आइडेंटिफिकेशन पर्पस। और इसी तरह से जूलॉजिकल पार्क में भी हम एनिमल्स का इस्तेमाल एज अ रेफरेंस एज अ एंड एज अ आइडेंटिफिकेशन पर्पस करते हैं। और बोटेनिकल गार्डन में किसी भी प्लांट को उसके ब्रीडिंग का और उसके फीडिंग का पूरा ख्याल रखा जाता है, लाइट मिल रही कि नहीं मिल रही है, वहां पर एयर वाटर सब चीजें न्यूट्रिएंट्स हैं कि नहीं है, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है। इसी तरह से जूलॉजिकल पार्क में भी एनिमल के लिए फीडिंग और ब्रीडिंग का खास ध्यान रखा जाता है। तो ये चीजें क्या हो गई, बोटेनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल। अब अगली चीज आती है म्यूजियम, राइट, बात करते हैं म्यूजियम की। म्यूजियम, तो अगर जो म्यूजियम है उस म्यूजियम के बारे में पूछो कि म्यूजियम क्या होता है, तो म्यूजियम माने कलेक्शन ऑफ डेड आर्टिकल्स एंड नॉट ओनली डेड आर्टिकल्स इवन डेड प्लांट एंड डेड एनिमल्स। तो इट इज कलेक्शन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल, प्लांट्स और एनिमल के डेड कलेक्शन को हम कहते हैं म्यूजियम, राइट। क्यों हम लोग करते हैं म्यूजियम का कलेक्शन, ताकि पुराने वक्त में पाए जाने वाले एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में हमको जानकारी मिल सके। वी विल कम टू नो अबाउट ओल्ड एज प्लांट्स एंड एनिमल विद द हेल्प ऑफ म्यूजियम। म्यूजियम से हम पुराने वक्त के प्लांट और एनिमल के बारे में जान जाते हैं, और किसी भी म्यूजियम में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नहीं रखा जाता, नो लिविंग आर्टिकल्स प्लेस इन म्यूजियम। म्यूजियम में कभी भी जिंदा ऑर्गेनिज्म को नहीं रखा जाता। ये तो हो गया म्यूजियम के बारे में, ठीक है। अब आता है एक और इंपॉर्टेंट टैक्सोनॉमिकल एड्स, उसका नाम है टैक्सोनॉमिकल कीज। टैक्सोनॉमिकल कीज, देखो सबसे पहली बात, टैक्सोनॉमिकल कीज जो होती हैं, दे आर एनालिटिकल इन नेचर। ये सबसे पहला पॉइंट मैंने क्यों लिखा, क्योंकि अगर आपको की समझना है तो आपके पास एनालिसिस करने की काबिलियत होनी चाहिए। एनालिसिस का मतलब होता है चीजों को एनालाइज करना, और एनालाइज करने का मतलब होता है आप उसमें कैरेक्टर ढूंढ पाए, कोई भी कैरेक्टर जो भी आप स्टडी करते हैं। जैसे आपको चॉक को एनालाइज करना है तो चॉक में कैरेक्टर ढूंढ पाए कि व्हाइट है कि ब्लैक है कि रेड है, इसको अगर किसी सरफेस पर रगड़ते हैं तो एक यहाँ पे लिखावट आ जाती है। अगर आप कैरेक्टर ऑब्जर्व कर लेते हैं, चीजें देख लेते हैं, समझते हैं, तभी आप एनालाइज कर पाएंगे। आप किसी भी चीज को एनालाइज तब तक नहीं कर सकते जब तक आप उसके कैरेक्टर ऑब्जर्व कर नहीं पाते, राइट। तो सबसे पहले टैक्सोनॉमिकल कीज के बारे में मैंने बताया कि कीज एनालिटिकल नेचर की है, माने जो भी टैक्सोनॉमिस्ट
कीज बनाना चाहता है उसको एनालिसिस करना आना चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज, एनालिसिस करने के बाद हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं कपलेट, यानी कि जो टैक्सोनॉमिकल कीज होती हैं, कीज आर मेड अप ऑफ कपलेट। अब ये कपलेट क्या होते हैं, तो तीसरा पॉइंट, कपलेट आर पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। जो कपलेट होता है वो पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होता है। पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब, अगर हमने कहा कि किसी गार्डन में बहुत सारे प्लांट हैं और उनमें से कुछ प्लांट्स में थॉर्न प्रेजेंट, तो इसका कंट्रास्टिंग बन जाएगा थॉर्न एब्सेंट। तो हमने कहा कि अगर की बनानी है तो पहले कपलेट बनाओ, और कपलेट माने कपलेट आर पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। लाइक एग्जांपल के रूप में, थॉर्न प्रेजेंट एक बन गया तो दूसरा अपने आप बन जाता है थॉर्न एब्सेंट। इस तरह से हम क्या करते हैं, हम कपलेट बनाते हैं। अब कपलेट में आपको पता है कि पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं, उसके बिना कपलेट बनेगा नहीं, तो इन दोनों को जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं इनको कहते हैं लेड, यानी कि एवरी कपलेट इज मेड अप ऑफ लेड। लेड का मतलब, जैसे मैंने कहा था, थॉर्न प्रेजेंट थॉर्न एब्सेंट, ये दोनों मिला के कपलेट बनाते हैं। तो कपलेट में एक स्टेटमेंट ये हो गया, दूसरा स्टेटमेंट ये हो गया, तो एवरी कपलेट इज मेड अप ऑफ द लेड, बल्कि टू लेड। एक लेड क्या हो गया, जैसे हमने यहां पर बनाया, तो लेड वन थॉर्न प्रेजेंट और दूसरा लेड लेड टू थॉर्न एब्सेंट। यानी कि कोई भी टैक्सोनॉमिकल की कपलेट से मिलकर बनती है, कपलेट लेड से मिलकर बनता है, और लेड माने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, प्रेजेंट एब्सेंट, राइट। अब लीड को थोड़ा सा और समझ लेते हैं, टैक्सोनॉमिकल कीज के बारे में दो तीन बातें और समझ लेते हैं। जैसे हमने एक बहुत बड़े फॉरेस्ट में ऐसे पार्टीशन किया, यहां भी बहुत सारे प्लांट लगे हुए थे, यहां भी बहुत सारे प्लांट लगे हुए, और हमें की बनानी है, टैक्सोनॉमिकल की बनानी है। तो हमने देखा इसमें से कुछ प्लांट्स में फ्लावर हैं और कुछ प्लांट्स में फ्लावर नहीं है, तो पहला कपलेट क्या बना, फ्लावर प्रेजेंट फ्लावर एब्सेंट। यहां पर हमने कपलेट वन बनाया और इसमें कपलेट वन में एक बनाया फ्लावर प्रेजेंट और दूसरा बनाया फ्लावर एब्सेंट। जो फ्लावर प्रेजेंट और इसमें ये लीड वन हो गया और ये लीड टू हो गया, इन्हीं दोनों से मिलकर क्या बनता है, कपलेट बनता है। फिर हमने जिनमें फ्लावर प्रेजेंट है उसको लिया, फ्लावर प्रेजेंट, और उसमें हमने फिर कपलेट टू बनाया, और जो फ्लावर प्रेजेंट वाले थे उसमें हमने कहा थॉर्न प्रेजेंट एंड थॉर्न एब्सेंट। थॉर्न माने कांटे, थॉर्न प्रेजेंट एंड थॉर्न एब्सेंट। तो ये बन गया नेक्स्ट लीड, ये भी लीड वन और ये लीड टू। इस तरह से प्लांट में बंटवारा होता, आधे प्लांट्स फ्लावर वाले थे, आधे बिना फ्लावर वाले थे। अब मान लो ये फ्लावर वाले थे बिना फ्लावर, तो हमने फिर कांटे वाले अलग कर दिया, बिना कांटे वाले अलग कर दिया, फिर कांटे वालों में फिर हमने बनाया कपलेट, फिर हमने बनाया कपलेट, फिर हमने एक कपलेट बनाया, फिर हमने एक कपलेट, तो हम कपलेट बनाते जा रहे हैं और प्लांट का बंटवारा होता चला जा रहा है। तो क्लासिफिकेशन में कितनी हेल्प मिलती है भाई, जैसे ही हमने एक बनाया की बनाई कपलेट बनाया तो प्लांट दो पार्ट में डिवाइड हो गए, फिर जो बचे हुए प्लांट थे फिर एक नया की बनाया फिर वो दो पार्ट में डिवाइड हो गए। और एक बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि अलग अलग टैक्सोनॉमिकल रैंक के लिए और अलग अलग टैक्सॉन के लिए अलग अलग टैक्सोनॉमिकल कीज बनाई जाती है। यहां पर ये पॉइंट हम नोट कर लेंगे,
सेपरेट टैक्सोनॉमिकल कीज आर रिक्वायर्ड फॉर सेपरेट टैक्सॉन, अलग अलग टैक्सॉन के लिए अलग अलग कीज बनाई जाती है, ठीक है। अब ये कीज भी खत्म हो गया, अब इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट टैक्सोनॉमिकल एड्स आता है, उसका नाम है फ्लोरा, बॉटेनिकल फ्लोरा। अगली हेडिंग आएगी बॉटेनिकल फ्लोरा, बॉटेनिकल फ्लोरा। देखिए सिंपल सी बात है, कलेक्शन ऑफ ऑल काइंड ऑफ प्लांट्स इन ए पर्टिकुलर एरिया इन ए पर्टिकुलर टाइम कॉल्ड बॉटेनिकल फ्लोरा, इसी को बोलते हैं बॉटेनिकल फ्लोरा। मान लो ये कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, कोटा की, दिल्ली की, अमेरिका की, और इस ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम की बात करें, पर्टिकुलर टाइम माने 2009 से लगा करके 2010 तक यहाँ पर जितने प्लांट्स पाए जाते हैं उन सभी प्लांट्स का रिकॉर्ड तैयार करना क्या कहलाता है? बॉटेनिकल फ्लोरा। और जब इसका रिकॉर्ड तैयार होता है, मोटी सी किताब बन के तैयार होती है, बिग बड़ी सी मोटी सी किताब है ना, सो बिग बुक, ऐसे बहुत सारे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पेजेस आर देयर, ऐसे बहुत मोटी सी किताब बनती है। सपोज दिस इज द फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया, फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये बहुत बड़ा एक फ्लोरा बनाया था इसने, जॉन डाल्टन हुकर ने, एक जॉन डाल्टन हुकर की किताब मैंने बना दी, ये बुक है और इस बुक का नाम था फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इस बुक में मोटी सी 100 पेज 200 पेज 1000 पेज की मोटी सी किताब बनती है, उस पे हम क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट इन ए पर्टिकुलर एरिया इन ए पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड बॉटेनिकल फ्लोरा। तो सारी जानकारी इस किताब में, मोटी सी किताब में आ जाती है, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं बॉटेनिकल फ्लोरा के बाद, कैटलॉग सॉरी मोनोग्राफ। देखिए बात करते हैं मोनोग्राफ की, बिल्कुल सेम डेफिनेशन, बस मामूली सा चेंज करूंगा तो मोनोग्राफ आपको समझ में आ जाएगा। कलेक्शन ऑफ ऑल प्लांट्स ऑफ ए सिंगल टैक्सॉन इन ए पर्टिकुलर टाइम एंड पर्टिकुलर एरिया, किसी पर्टिकुलर एरिया में और किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, मान लीजिए 2001 से 2006 तक, इस टाइम तक इस एरिया में कितने टाइप के एक ही टैक्सॉन के मेंबर हैं। मान लीजिए हम बात कर रहे हैं लखनऊ की, लखनऊ, अब लखनऊ एक बड़ा शहर है, वहां पर अगर सारे प्लांट का कलेक्शन करेंगे तो बन जाएगा फ्लोरा, उधर मैंने बताया फ्लोरा के बारे में। लेकिन अगर हम लखनऊ के अंदर एक निश्चित टाइम पर यह पता लगाएं कि मैंगो के कितने टाइप्स हैं, क्योंकि मैंगो के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, आपने खाया भी होगा, अलग अलग टाइप के मैंगो का टेस्ट होता है। तो अगर हम आपसे बताएं कि लखनऊ सिटी के अंदर एक टैक्सॉन मैंगो, मैंगीफेरा इंडिका इज सिंगल टैक्सॉन, तो मैंगीफेरा इंडिका के कितने टाइप्स पाए जाते हैं, सारे टाइप की स्टडी करें कि मलियाबाद में कौन सा होता है, उन्नाव में कौन सा होता है, और लखनऊ के अलग अलग एरिया में, सब एरिया में मैंगो के कितने वेरियंट, कितने टाइप पाए जाते हैं, तो इस कलेक्शन को बोलते हैं मोनोग्राफ।
मोनोग्राफ माने क्या, मोनोग्राफ माने कलेक्शन।